रहे थे आप? हाँ जी, ट्रिगो के फॉर्मूले स्टार्ट करे थे और अभी यस ट्रिगो की सर। दो क्लास हुई होगी शायद, है ना? ठीक है। अच्छा ये बताओ, हमारा जो लास्ट टेस्ट हुआ था उसमें कौन कौन से टॉपिक रखे थे हमने? डोमेन रेंज, यस सर। टेक्स्ट, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम शायद ठीक नहीं था है, अभी हमारा मंडे। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? सर, शायद वेन डायग्राम नहीं थे। हाँ ये तो सेट के क्वेश्चन तो थे ना। सर। यस सर, मतलब सेट था, रिलेशन था और फंक्शन था, है ना? यस यस सर। सर। और फंक्शंस में डोमेन के क्वेश्चन थे और रेंज के क्वेश्चन थे, है ना? यस सर। यस सर। यस बाकी इवन ऑड पीरियोडिक फंक्शन वगैरह नहीं था। सर। नहीं था। ठीक है, यस सर। अभी तुम्हारा मंडे मंडे को फिर से टेस्ट आ रहा है। ठीक है, सर। अब ये बताओ, टॉपिक बताओ, जैसे ट्रिगो स्टार्ट हुआ है तो ट्रिगो के भी क्वेश्चंस डालने हैं या क्या बोलते हैं, ये बताओ कि या वो पुराने वाले जो यस सर बचे हुए डाल हैं वो दो। कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, ट्रिगो के बेसिक 4-5-6 क्वेश्चन डाल दूंगा आज तक की क्लास के, और बाकी पिछला भी लेंगे। फंक्शंस लेंगे, सेट्स और रिलेशंस नहीं लेंगे, फंक्शंस पूरा और ट्रिगो के कुछ क्वेश्चन। राइट? ओके सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब हमने अब स्टार्ट कर रहे हैं क्लास जरा। तो हमने कुछ क्वेश्चंस सेकंड हमने स्टार्ट करे थे, कुछ फॉर्मूले, कुछ खाली कुछ फॉर्मूले ही बताए थे, कुछ कर भी लिया था हमने। हाँ सर ग्राफ करे थे। यस ग्राफ्स तो हो गए थे, मुझे याद है। ग्राफ्स के अलावा सर, ग्राफ करा था क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट, और सर से साइन फॉर्मूले कराया था आपने, ऑफ और ए फिर प्लस कुछ। बी वाले। ठीक यस सर, है और फिर ठीक है कुछ ठीक है क्वेश्चन चलो थे। ठीक है चलो। एक क्वेश्चन लिखो। ग्राफ हमने कर लिए थे, एक आध क्वेश्चन मैंने करा दिया था। ठीक है, राइट डाउन। फाइंड, ये वाला क्वेश्चन बताना कराया क्या? फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के, कराया क्या अभी? नहीं। नो सर। नो सर। फाइंड द नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन 7 cos x प्लस 5 sin x इक्वल्स टू 2k+1 7 cos x + 5 sin x = 2k+1 हैज अ सॉल्यूशन। जरा ट्राई करो, ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, जेई में, जेई मेन में भी आया हुआ है और ये जेई एडवांस में भी आया हुआ है। सिंगल ऑप्शन करेक्ट। फिर से बोल रहा सर हूँ, इक्वेशन फाइंड क्या द आपने क्या नंबर ऑफ बोला, इसकी रिपीट एक इंटीग्रल बार। वैल्यू, बोल रहा हूँ, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच दिस इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। सिक्स वैल्यूज। सिक्स वैल्यू, बाकी लोग भी करिए। सिक्स तो बेटा करेक्ट आंसर नहीं है, ट्राई करो। सर
सर एट वैल्यूज, एट शायद सही आएगा, ठीक है एट सही है, बाकी लोग भी करिए। देखो इसमें क्या है ना, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक तरफ तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक तरफ एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो ऐसे केस में हमारे पास इक्वेशन बनाने के तो चॉइस नहीं है, तो हमारे पास दो मेथड बचते हैं, या तो हम ग्राफ बना सकते हैं और या हम रेंज के मेथड से कर सकते हैं। अभी मैं दो तीन क्वेश्चन करा देता हूँ। तो अगर मैं इसकी रेंज देखूँ तो लेफ्ट हैंड साइड की जो रेंज है वो आएगी आपकी, दैट इज 7 cos x + 5 sin x की रेंज, ये आएगी आपकी माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक, राइट। तो हम बोल सकते हैं 7 cos x + 5 sin x की जो रेंज आएगी वो आएगी रूट ऑफ 74, माइनस रूट 74 से प्लस रूट 74, तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ 7 cos x + 5 sin x की वैल्यू आएगी माइनस 8 point something, मैंने ऐसी रेंडमली लिख ली, ठीक है बोलो। यस सर, यस सर। अब ये क्योंकि 2k+1 के बराबर है, तो 2k+1 भी इसी इंटरवल में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो 2k की वैल्यू आ गई -9.5 से +7.5 तक, हमने 1 माइनस कर दिया तीनों साइड, राइट। तो अब मैं अगर इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो -4.75 से 3.75। अब इसके बीच के इंटीजर्स ढूंढ लो, ये 4 हो गया, ये 3.75 हो गया और ये -5 हो गया, ये -4.75 हो गया, तो इसके बीच के इंटीजर्स कौन कौन से हैं? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, तो देर आर 8 इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k for which this equation is satisfied. समझ में आ गया? Yes sir. तो यहाँ पे हमने लगाया रेंज का मेथड, जस्ट राइट इट डाउन। एक और क्वेश्चन बोलूं? यस सर। ग्राफ कैसे बनाएंगे? लिखो अगले। नहीं नहीं, ग्राफ कैसे बनाएंगे नहीं, पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये कि हर जगह ग्राफ बनाना भी नहीं है। मान लो मैं ऐसे ही लिख दूं कि भाई फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस 10x upon cos x = log x, तो ये थोड़ी ना है कि तुम इसका ग्राफ बनाने लग जाओगे। इसका ग्राफ तो बहुत अजीब सा बनेगा, मतलब बनेगा तो सही लेकिन तुम बना नहीं पाओगे, बहुत चीजें चाहिए उसके लिए। तो ऐसे केस में रेंज का मेथड लगाना है। जब ग्राफ बनाना इजी है देन ओनली यूज ग्राफ वाला मेथड, अदरवाइज जबरदस्ती ग्राफ नहीं बनाना है ना? ओके, यस सर। हटा दूं इसको? यस सर, यस सर। नाउ लुक, एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। जस्ट ट्राई करो। फिर से एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक तरफ आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है।
सर हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। यस फिर से देखो, एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक तरफ एलजेब्रिक है, तो यानी कि हमें कौन सा मेथड सूट करता है, या तो ग्राफ या तो रेंज, लेकिन ग्राफ बनाना आसान नहीं है, तो रेंज वाला मेथड। सब लोग दोनों साइड की रेंज निकालो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सर जीरो से रूट टू एक्स की वैल्यू, बेटा एक्स की वैल्यू, सर 1 और 0.5। नहीं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सर नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस, वेरी गुड। इसका आंसर आएगा नो सॉल्यूशन। देखो अभी मैंने तुम्हें बताया था, याद करो कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की रेंज आएगी आपकी माइनस रूट टू टू प्लस रूट टू। बोलो। यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, ये जो है ना, ये शायद मैंने तुम्हें बताया होगा कि कभी भी कोई पॉजिटिव नंबर जब अपने रेसिप्रोकल से ऐड होता है तो उसकी वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होती है। कोई भी याद रख लेना अगर नहीं पता है तो। देखो मैं समझा देता हूँ। क्लास 10th में तुमने एक चीज पढ़ी होगी, एपी अरिथमेटिक मीन। दो नंबर्स अगर ए और बी होते हैं तो उनका अरिथमेटिक मीन होता है ए प्लस बी बाई टू। मैं समझा देता हूँ, बाद में भी रिवाइज हो जाएगा। और दो नंबर्स अगर ए बी होते हैं तो इनका ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी। याद रहेगा, अरिथमेटिक मीन होता है ए प्लस बी और ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी। और याद रखना, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अगर मैं नंबर्स ए और बी की जगह नंबर्स लूं एक्स स्क्वायर और 1/x², तो इनका जो अरिथमेटिक मीन होगा वो ये होगा सम अपॉन टू, और इनका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो ये होगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1/x², राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो हम ये बोल सकते हैं कि कभी भी कोई पॉजिटिव नंबर अपने अगर अपने रेसिप्रोकल में ऐड करोगे तो हमेशा 2 या 2 से बड़ा आएगा। यू कैन टेक एनी एग्जांपल, अगर मैं 1 से बड़ा नंबर पुट करूंगा तो ऑब्वियसली सबको समझ में आता ही होगा, लेकिन अगर मैं 1 से छोटा भी नंबर पुट करूंगा तब भी वैल्यू 2 या 2 से बड़ी ही आएगी, राइट। तो अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर अपने रेसिप्रोकल में ऐड होगा तो वो वैल्यू 2 या 2 से बड़ी आएगी। और इसी तरीके से अगर कोई नेगेटिव नंबर अपने रेसिप्रोकल में ऐड होगा तो वो वैल्यू -2 या -2 से छोटी ही आएगी। तो यू कैन राइट डाउन अ फॉर्मूला एज वेल, ऐसे करके लिख सकते हो। थोड़ा मैंने एक्सप्लेनेशन बता दिया, एक सेकेंड, कि इफ एक्स इज पॉजिटिव देन x plus 1/x is always greater than equals to 2, and if x is negative then
x plus 1 upon x is less than equals to minus 2. तो ये हमेशा याद रहना चाहिए तुम्हें. अब बोलो बेटा जो डाउट है. बोलो, एक बच्चा भी डाउट बोल रहा था. ऐसा क्लियर हो गया वो. ठीक है, तो अगर हम इस चीज को ध्यान में रखते हैं तो इफ आई टॉक अबाउट द क्वेश्चन नाउ, नाउ इट इज लाइक दिस. वापस यहीं आता हूँ. तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आपकी माइनस रूट टू से प्लस रूट टू है, बट राइट हैंड साइड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू. सो आई कैन राइट इट हियर, लेफ्ट हैंड साइड बिलोंग्स टू माइनस रूट टू से प्लस रूट टू, एंड आर एच एस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू. तो ये दोनों कभी भी बराबर हो ही नहीं रख रहे कि भाई ये तो हमेशा टू या टू से बड़ा है और वो माइनस रूट टू से ऊपर है ही नहीं. तो दोनों कभी बराबर हो ही नहीं सकते एक्स की किसी भी वैल्यू पर. So answer to this question will be no solution. Okay sir. ठीक है, तो ये चीज समझ में आई. मैंने एक दो क्वेश्चन क्या कराए हैं, ये कराए कि जब दोनों फंक्शंस एक जैसे नहीं है, नीदर ट्रिग्नोमेट्रिक ये वो, तब हम रेंज या ग्राफ का फायदा ले सकते हैं. राइट ऑल ऑफ यू? यस सर. यस सर. ठीक है, ये हटा दूं? यस सर. यस सर. हाँ जी सर. अगर सर जो इसमें फंक्शन गिवन है उसमें सर अगर एक्स की वैल्यू एक्स के टर्म्स में आ गई तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा. क्या मतलब, दोबारा बोलना. अगर हम रेंज वाले मेथड से करते हैं तो एक्स की वैल्यू उसके टर्म्स में आ जाएगी ना, तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा ऑटोमेटिकली. नहीं, ये कोई बात नहीं हुई ना, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं होगा. एक्स की वैल्यू उसके टर्म्स में आ गई तो ये तो कोई बात नहीं, ऐसे तो ये तो कोई, ये कोई इशू ही नहीं है वो. तो फिर हम इसका मतलब हम कर ही कहां पाए, अभी तो हम कुछ इंटरप्रेट कर ही नहीं सकते, तो ऐसे नहीं बोल सकते. ओके ठीक है. अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं. जैसे मान लो मैं ये पूछता हूँ फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बराबर, जरा ट्राई करना मॉड ऑफ लॉग एक्स, देखते हैं कितने लोग करते हैं. लॉग एक्स का ग्राफ मैंने बताया हुआ है कि नहीं, पहले ये बताओ मुझे. यस सर. ठीक है, ट्राई फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन. अब देखो ये फिर से दो अलग अलग टाइप के फंक्शंस हैं, तो या तो रेंज से करेंगे या ग्राफ से. थोड़ा मेरी बात समझना सब लोग. लेफ्ट हैंड साइड की जो रेंज है वो 0 to 1 है कि नहीं है? यस सर. ठीक है. अच्छा, अब राइट हैंड साइड की रेंज, लॉग एक्स की रेंज क्या बताई थी मैंने, बताओ लॉग एक्स की रेंज, जल्दी बोलो. रियल नंबर्स. रियल नंबर्स. All real numbers. तो mod log x की range क्या होगी? Mod log x की 0 to infinity होगी या नहीं होगी? Yes. तो LHS belongs to this value, RHS belongs to this value. अब दोनों equal दिए हुए हैं, तो LHS equals to RHS. तो common range कौन सी है? Common range 0 to 1. अब 0 to 1 में कितनी value है? Infinite. 0 to 1 में कितनी value है? Infinite. तो ये इनफाइनाइट वैल्यू जो है ये हम रेंज वाले मेथड से नहीं कर सकते कि यार 0 कब होगा, 0.01 कब होगा, 0.02 कब होगा. तो ऐसे केस में ग्राफ विल बी मोर बेनिफिशियल. सो इफ आई टॉक अबाउट द ग्राफ ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इट विल बी लाइक दिस. बोलो. यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. सिमेट्रिकल है तो थोड़ा मैंने ढंग से बना नहीं पा रहा हूँ. ठीक है. अच्छा, अब लॉग एक्स का ग्राफ याद करो. तो याद है कुछ लॉग एक्स का ग्राफ मैंने ऐसे बताया था?
यस सर ठीक है। तो अगर मैंने ये log x का ग्राफ बनाया था तो mod of log x होता है कि जो डिनोमिनेटर भी है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, राइट? यस सर। तो ये जो ऑरेंज कलर का ग्राफ है ये है आपका mod of log x का ग्राफ। कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब ये साइन स्क्वायर x और mod log x कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं? टू टाइम्स। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? टू सॉल्यूशंस। ये तरीका है इसका। समझ में आ गया ऑल ऑफ यू? तो मैंने तुम्हें तीन मेथड बता दिए हैं बेसिकली, एक तो बेसिक इक्वेशन वाला, एक रेंज वाला और एक ग्राफ वाला। वी हैव डिस्कस थ्री मेथड्स एज ऑफ नाउ, राइट? यस सर। तो धीरे धीरे और फॉर्मूले पढ़ लो, और फॉर्मूले पढ़ लोगे और चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो मैं लेवल ऑफ द क्वेश्चन और बढ़ाता चला जाऊंगा। तो अभी तो मैंने क्योंकि थोड़ा ग्राफ का आइडिया दिया है, डोमेन रेंज का आइडिया दिया है, तो वी हैव डन दैट थिंग आल्सो, राइट? चलो आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ठीक है। ये हो गया हमारा, राइट? अच्छा एक चीज और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। माइनस फाइव साइन एक्स प्लस थ्री, ये लेस देन जीरो। तो फाइंड द इंटरवल ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू जीरो टू टू पाई सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। करो जरा ट्राई ऑल ऑफ यू, ठीक है? जीरो से पाई बाय सिक्स, यूनियन फाइव पाई सिक्स से टू पाई। ठीक है, बाकी लोग भी करो, चेक कर लेंगे। करो ट्राई करो। डन सर। ठीक है, देखो अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स माइनस थ्री साइन एक्स प्लस थ्री लेस देन जीरो। तो यहाँ से टू साइन एक्स कॉमन लिया, साइन एक्स माइनस वन माइनस थ्री इंटू साइन एक्स माइनस वन लेस देन जीरो, राइट?
तो ये आ गया 2 sin x माइनस 3 into sin x minus 1 less than 0. Simple. Now all of you look here. अगर ये equal to 0 होता, by chance ये equal to 0 होता, तो यहाँ से sin x बराबर 3 by 2 आता, जो कि possible नहीं था, तो ये bracket reject हो जाता, sin x बराबर 1 आता, और इस interval में एक ही solution होता, x बराबर pi by 2, if it would have been 0. I think I am correct. Yes, sir. Yes. Yes, Bolo. But अब क्या है, ये नेगेटिव लाना है. अब ध्यान से समझना. तो बच्चे क्या करते हैं ना, इस वाले ब्रैकेट को अभी भी रिजेक्ट कर देते हैं. मुझे नहीं पता तुमने करा है नहीं करा, बट इसको अभी भी रिजेक्ट कर देते हैं. ये मैंने फैक्टराइज तो सही करा है ना, फैक्टराइजेशन इज फाइन ऑल ऑफ यू? यस सर. यस सर. यस सर. ठीक है, तो अब ये नेगेटिव होना चाहिए. यहाँ देखो, ये वाला जो ब्रैकेट है, आई नो दैट साइन एक्स लाइज बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन. So 2 sin x will lie between minus 2 till plus 2, fine. So if I take minus 3 on all the three sides, so this will lie between minus 5 to minus 1. So what I can say that this is a negative bracket. So iska answer will be a negative value always ya nahi? Yes sir. Matlab main isko kuch bhi rakh lo, ye answer negative hi aayega. Aur ye agar negative aayega, aur mujhe answer kya lana hai? Bolo. नेगेटिव आंसर क्या लाना है? आंसर भी नेगेटिव लाना है. आंसर भी नेगेटिव लाना है. तो यानी कि जो बचा हुआ ब्रैकेट है उसको क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा या नहीं? यस सर. पॉजिटिव. यस सर. तो मैं ये बोलता हूँ कि साइन एक्स माइनस वन शुड बी पॉजिटिव. तो यानी कि साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन वन. बट साइन एक्स वन से कभी बड़ा होगा? No, sir. No, sir. No. Got it? Yes, sir. Yes, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा नो सॉल्यूशन. सर हम इसे डायरेक्ट भी बोल सकते थे ना, जैसे साइन एक्स जो होगा 1 से 3 बाई 2 तक लाई करेगा ओपन ब्रैकेट में ऊपर वाली इक्वेशन से, तो वो तो वैल्यू होती नहीं, तो डायरेक्ट. हाँ तो वही तो बोले, वही तो है ये, वही वो तुम्हें इस स्टेप तक तो आना ही पड़ेगा ना. इस स्टेप के बाद सॉल्व करना पड़ेगा. बाय चांस ये ऐसा ब्रैकेट बन जाता 2 sin x minus 3, ध्यान से देखना सब लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई में आया वो क्वेश्चन है ऐसा, लेस देन 0. तो अगर जिन बच्चों ने ये चेक कर लिया कि ये नेगेटिव होगा, तो वो लिखेंगे ये sin x जो है आपका पॉजिटिव, ये आपका ये वाला ब्रैकेट पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि आंसर नेगेटिव लाना है. सही बोल रहा हूं? यस यस सर. यस सर. तो ये अगर पॉजिटिव होगा तो साइन एक्स हाफ से बड़ा होना चाहिए. यस यस सर. बोलो. यस सर. तो वन. ठीक है. अब देखो जरा, अब साइन एक्स अगर हाफ से बड़ा तो ये आपका ऐसा होगा लाइक दिस. तो यहाँ पर कहीं साइन एक्स हाफ होगा या नहीं होगा इस लाइन पर? और यहाँ पर वन होगा, तो जीरो से टू पाई की बात हो रही है. तो ये हमारा पाई बाई सिक्स है या नहीं है? और ये हमारा फाइव पाई बाई सिक्स है. तो मैं बोलूंगा एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई सिक्स से फाइव पाई बाई सिक्स. बोलो. एक बार रिपीट कर दीजिए भाई. साइन एक्स हमारा हाफ से बड़ा होना चाहिए, है ना? यस सर. ये हाफ कहाँ से आ गया? वहाँ पे तो वन है. नहीं नहीं, मैंने चेंज करा है ना बेटा, ये कि ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं. अच्छा. इसका तो काम हो गया. अब तो मैं नई बात कर रहा हूँ. अच्छा. कि बाई चांस यहाँ पर वन ना होके हाफ होता तब क्या होता? मैंने उसका एक एग्जांपल लिया है ना. ओके सर. ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस. ठीक है, गुड. अब आगे बढ़ जाएं. यस सर. अच्छा, डीपी भी डल गए हैं ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे, तो यू कैन स्टार्ट. बहुत काम है तुम्हारे पास, मेहनत करो. तुमने देखे भी होंगे शायद. यस सर. ठीक है, तो मेहनत कर लो, बहुत सारे डीपी भी हैं, तो स्टार्ट वन बाय वन, है ना? जैसे जैसे ये टॉपिक बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे कंफर्टेबल जोन में आते रहोगे. तो फर्स्ट टॉपिक, जैसे फर्स्ट है तो काफी कुछ तुम्हारे इन्हीं टॉपिक से हो जाएगा.
चलो अब कुछ फॉर्मूले देखते हैं, राइट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार सारे फॉर्मूले। तो सबकी जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो ये चार हैं, इन्हीं चार फॉर्मूले से हम सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ ए माइनस बी इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सिंपल। यस सर। कॉस ऑफ ए प्लस बी आएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कॉस ऑफ ए माइनस बी आएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब यहां से देखते हैं और फॉर्मूले देखते हैं जरा। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अभी 2a के भी फॉर्मूले बनाएंगे, उससे पहले ये फॉर्मूले देख लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दूं तो जो पहला फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, 2 sin a cos b इक्वल्स टू sin ऑफ a प्लस बी प्लस sin ऑफ a माइनस बी। एनसीईआरटी तो तुम्हारे स्कूल्स में भी कुछ हुई होगी ना? सेकेंड और फर्स्ट तो तुम आराम से कर लोगे, एक्सरसाइज नंबर थ्री है। थर्ड एक्सरसाइज सब लोग आज से स्टार्ट कर दोगे फ्रॉम टुडे ओनली, राइट? ओके सर। ओके ठीक है। नाउ देखो, अब मैं अगर इन दोनों को ऐड करूं तो 2 sin a cos b का ये फॉर्मूला बन गया, sin of a plus b plus sin of a minus b। Yes. अगर अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos a sin b बराबर sin of a plus b minus sin of a minus b। तो ये जो फॉर्मूला ये क्या कर रहा है, ये प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर रहा है, प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर रहा है। सिंपल है। ठीक है, तो बता दे सर कैसे आया ये फॉर्मूला। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करो, तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तो 2 sin a cos b आएगा, 2 cos a sin b कट जाएगा। ओके सर। और 2 sin a cos b यहां लिख दिया और इन दोनों को ऐड करा तो यहां लिख दिया, और फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 cos a sin b आएगा, और 2 cos a sin b लेफ्ट में लिख दिया और उधर वो लिख दिया दूसरा टर्म है ना। ओके ठीक है, आगे बढ़ते। अगर हम थर्ड और फोर्थ को ऐड करें तो 2 cos a cos b आएगा, साइन वाला टर्म कट जाएगा, तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला बनेगा cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी। सिंपल। ठीक है, आगे देखो। अगर हम थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो बेटर है फोर्थ में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करो तो आएगा 2 sin a sin b। क्या आएगा? 2 sin a sin b, तो ये बन जाएगा आपका cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी। सिंपल। यस यस यस। कोई डाउट? नो सर। नो। ठीक है, गुड। ठीक है, लिख लो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। लिख लिया।
यस सर यस सर ठीक है, इसे हम बोलते हैं सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ लुक हियर, ये इधर लिखे हैं, ठीक है, यहाँ देखो। अब ये इन्हीं फॉर्मूले से और फॉर्मूले बना रहा हूँ। देखो एक और फॉर्मूला है तुम्हारे, अगर तुम्हें पढ़ा होता ना थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री तो ज्यादा तुम्हें आइडिया लगता। ये देखो, एक ये ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है। अगर मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी को ऐड करूं तो 2a आएगा। यस सर यस सर, और मैं 2a को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो a आ जाएगा। तो ये वाला जो टर्म है a, ये दिस प्लस दिस अपॉन 2 है, और ये जो बी है वो दिस माइनस दिस अपॉन 2 है। आई एम करेक्ट? यस सर यस सर। ऐसे यहाँ पर भी है, ऐसे यहाँ पर भी है, ऐसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ऐसे ही यहाँ पर भी है, बस यहाँ थोड़ा सा चेंज है। क्योंकि मैं दिस माइनस दिस करूंगा तो माइनस आएगा, तो ये माइनस भी आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले में मुझे थोड़ा ये ध्यान रखना है, बाकी सब में सेम है। तो मैं एक और फॉर्मूला बना रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में सब गिवन है। ये फॉर्मूला है आपका साइन सी प्लस साइन डी। तो इसको अगर मैं सी मान लूं और इसको डी मान लूं तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होएगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। एम आई करेक्ट और नॉट? यस सर। तो ये अगर तुम ऐसे याद रख लोगे तो कभी भूलोगे ही नहीं, और साइन वैसे रट्टा मारोगे तो फिर तो हो गया। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या आ गया? साइन सी, यहाँ से देखो, साइन सी माइनस साइन डी, तो आ गया आपका 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। ऐसे ही आपका कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला आएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। और ऐसे ही लास्ट फॉर्मूला कॉस सी माइनस कॉस डी का, इसमें मुझे माइनस बाहर निकालना पड़ेगा, तो माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। फाइन ऑल ऑफ यू? यस सर। ये जो फॉर्मूला है ये सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए है। इसको हम बोलते हैं, इसको भी हम बोलते हैं सी एन डी फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? सी एन डी फॉर्मूला। सी एन डी फॉर्मूला, सी एन डी फॉर्मूला, या ठीक है, लिखो इसको भी। सुरेश सी एन डी फॉर्मूला एक बार बता दो। यहाँ से आया ना, यहाँ से, ये देखो, ये दिस प्लस दिस अपॉन 2 ये वाला टर्म है, और दिस माइनस दिस अपॉन 2 ये वाला टर्म है। तो अगर ये सी होता और ये डी होता तो साइन सी प्लस साइन डी बन गया होता 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ऐसे करके करें चारों, ठीक है? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ो। एक चीज और देखते हैं, मैं इसको वापस नीचे लाता हूँ।
देखो ये जो हमारे ऊपर वाले जो फॉर्मूले है ना, ये वाले साइन ऑफ ए प्लस बी, ये वाले है ना, ये वाला फॉर्मूला जो है, ये वाला ये पूरा फॉर्मूला जितने भी हैं ये, चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ, मेरे को इतना भी कंफर्टेबल नहीं है इस पे भी। साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला है आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ऑफ ए सॉरी साइन छोड़ दो, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, राइट? यस सर। अब देखो मैं हाफ एंगल फॉर्मूला डेवलप करूंगा, तो साइन टू ए, तो बी की जगह ए डाल दो तो साइन टू ए आ गया, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, दैट इज टू साइन ए कॉस ए, आया? तो एक और फॉर्मूला बन गया, साइन टू ए इज टू साइन ए कॉस ए, याद रहेगा? यस सर। तो अगर अगर टू ए की जगह ए होता तो उसको हम लिख लेंगे साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, होगा या नहीं होगा? एक और बता दो, देखो b की जगह a डाल दो तो b की जगह a डालेंगे तो sin 2a का फॉर्मूला आएगा या नहीं आएगा? अरे b की जगह a पुट कर दो ना, sin 2a बन जाएगा sin a cos a प्लस cos a sin a, तो वो आ गया 2 sin a cos a, तो मैं ये बता रहा हूँ कि आगे आगे जैसे sin a कोई हमसे पूछता है हाफ एंगल फॉर्मूला, तो 2 तो बाहर रहेगा ही रहेगा, एंगल a बाई टू और यहाँ भी a बाई टू आ जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। देखो यहाँ एंगल 2a है, यहाँ एंगल a है और यहाँ भी एंगल a है, ऐसे ही अगर कोई हमको साइन 3a को भी अगर हाफ एंगल में कन्वर्ट करने को बोलेगा, हालांकि 3a का और भी फॉर्मूला आएगा, कंफ्यूज मत होना, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़ेगी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो दिस इज नोन एज हाफ एंगल फॉर्मूला। यस राइट, ऑल ऑफ यू बताओ। अब देखो एक और चीज, yes, टू साइन कॉस ए को मैं 10 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्लास 10 में एक फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, yes, sir. तो किसी को भी मैं 1 से डिवाइड कर दूं तो कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं, बोलो? नो सर। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर मान लो ये आ गया, अब मैं अगर ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दूं, क्योंकि मुझे 10 में कन्वर्ट करना है, तो इसको भी अगर मैं कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दूं और डिनोमिनेटर को भी, तो डिनोमिनेटर को जब मैं कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करूंगा तो ये भी ये हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो फाइनली देखो ये एक कॉस कट जाएगा, तो ये आएगा 2 tan a और नीचे आ जाएगा 1 plus tan square a, तो अगर हमसे साइन 2a का फॉर्मूला कोई 10 के टर्म्स में पूछता है तो ये होगा, और ये मैं कोई तुम्हें भी ऐसा कोई जेई की चीजें नहीं बता रहा हूँ, ये सब तो हमारी एनसीईआरटी में ही है ऑलरेडी, राइट? यस सर। ठीक है, लिख लो इसको, साइन 2a का फॉर्मूला लिखो, फिर और डिस्कस करते हैं। लिख लिया। ठीक है, अब देखो cos 2a का फॉर्मूला, cos 2a, तो cos वाले फॉर्मूले में b की जगह a डाल दो तो cos 2a का फॉर्मूला आ जाएगा, तो cos a into cos a यानी कि cos square a minus sin a into sin a यानी कि sin square a, मेरे ख्याल से बहुत सिंपल बात है। यस सर। अच्छा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं cos square a minus sin square a upon 1, और 1 को हम लिख सकते हैं cos square a plus sin square a। यस सर। तो अब मैं अगर ऊपर नीचे sin cos square a से डिवाइड करूं
तो cos 2a का भी एक फॉर्मूला नहीं आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले चल रहे हैं। सर ठीक है, हाँ जी सर, ये cos 2a का cos 2a माइनस sin 2a कैसे हुआ? cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला देखो ऊपर और b की जगह a लिख दो। ओके देखते आएगा ना। यस ठीक है, ये फॉर्मूला एक हो गया। एक और फॉर्मूला देखते हैं, cos 2a इस cos स्क्वायर a को मैं 1 माइनस sin स्क्वायर a लिख दूं तो ऐसा बन जाएगा। यस सर, यस सर। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया कि cos 2a को हम 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a लिख सकते हैं। सिंपल है? यस सर। अरे कैसे हुआ, तुम बताओ कैसे हुआ, कुछ सोचो ना। अरे cos स्क्वायर a की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर a लिख दिया ना। हुआ नहीं हुआ? यस सर, यस सर। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर a 1 होता है ना, क्लास 10th में पढ़ा है। तो cos स्क्वायर a इज 1 माइनस sin स्क्वायर a, तो ये आ गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। सिंपल। अब इससे एक और फॉर्मूला बना रहा हूं, 1 माइनस cos 2a इज 2 sin स्क्वायर a। 1 माइनस cos 2a इज 2 sin स्क्वायर a। एक को इधर ले गया, एक को उधर ले गया, चलेगा? यस सर, यस सर। एक और चीज देखो, अब वही बात आ जाती है फिर से हाफ एंगल फॉर्मूले में कि अगर ये ऐसा हो, कभी ऐसा लिखा हो 1 माइनस cos a, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। तो एंगल का तो आधा होना है ना बस। सही है? यस सर। ये एक और बात बताइए, cos 2a 2 साइन स्क्वायर कैसे हुआ? अरे भैया ये 1 माइनस cos 2a, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो 1 माइनस cos 2a 2 साइन स्क्वायर हो गया। यस ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर मैं इस cos स्क्वायर a को 1 माइनस sin स्क्वायर a लिखा था तो ये आया। अगर इस sin स्क्वायर a को 1 माइनस cos स्क्वायर a लिखो तो क्या होगा? cos स्क्वायर a माइनस ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर a। पहले बताओ लिख सकता हूँ या नहीं? यस तो ये आ गया आपका 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब मैं इससे अगर इस 1 को उधर ले जाऊं तो मेरा फॉर्मूला बन गया 1 प्लस cos 2a इज 2 cos स्क्वायर a। बोलो बना है नहीं बना? सर ना cos 2 है ना? हाँ सर cos 2 है। अगर a होता तो cos स्क्वायर a by 2 हो जाता, एंगल आधा हो जाता है। तो ये सब क्या है? हाफ एंगल फॉर्मूले। क्या है ये? हाफ एंगल फॉर्मूले। सिंपल ऑल ऑफ यू? यस। अभी मैं 3a की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ मैंने 2a की बात करी है, राइट? पहले एक दो क्वेश्चन कराऊंगा तब थोड़ा आगे की बात करूंगा। तो इससे एक फॉर्मूला और बना सकता हूँ मैं कि अगर मैं 10a की बात करूँ तो 10a को मैं एक बहुत अच्छी चीज लिख सकता हूँ, 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a। कितने लोगों को समझ में आता है इसका अंडर रूट? यस सर।
क्योंकि वन माइनस कॉस टू ए था टू साइन स्क्वायर ए, वन प्लस कॉस टू ए था टू कॉस स्क्वायर ए, दोनों को डिवाइड करेंगे तो टेन स्क्वायर ए, रूट लेंगे तो टेन ए आ जाएगा, है ना? यस सर, यस सर, ठीक है। तो यानी कि एक फॉर्मूला ये भी बनता है कि टेन ए बाई टू अगर मैं लूं तो बस यहाँ हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस कॉस ए अपॉन वन प्लस कॉस ए, मतलब ये सब करना आना चाहिए तुम्हें, है ना? बोलो सही है, बहुत सारे फॉर्मूले डिस्कस करे हुए हैं। यस, अब आगे बढ़ते हैं। सर ये वाला समझ नहीं आया सर, रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर, अभी पूछो ना भाई, ये वन माइनस कॉस टू ए क्या हुआ, टू साइन स्क्वायर ए नहीं हुआ ये, अभी जो बताया था फॉर्मूला। यस सर। और ये टू कॉस स्क्वायर ए हुआ, तो टू साइन स्क्वायर ए को अगर टू कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे तो टेन स्क्वायर ए आएगा या नहीं आएगा? यस सर। और टेन स्क्वायर ए का रूट टेन ए होगा या नहीं होगा? बस ये बात है, समझ में आ गया? यस सर, ठीक है। यस सर, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला वापस लिखो। देखो बार बार यही यूज कर रहा हूँ मैं, कुछ नया काम नहीं कर रहा हूँ। साइन ए कॉस बी, अगर मैं डायरेक्टली फॉर्मूले लिखवा दूंगा तो वो तो रटंत विद्या हो जाएगी और उससे कुछ समझ में नहीं आएगा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और कॉस ऑफ ए प्लस बी होगा आपका कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, अभी बताया था। यस सर, बोलो। यस, यस सर। अगर मुझे अब टेन का फॉर्मूला डिराइव करना है, दैट इज टेन ऑफ ए प्लस बी, तो ये आएगा आपका साइन ए प्लस बी अपॉन सॉरी कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो आपका ये टेन ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा ये। अब मुझे अगर ये टेन में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, टेन में, अभी सब लोग ध्यान से देखो एक ही बार में, अगर हमें टेन में कन्वर्ट करना है तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए सॉरी कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर देना, कॉस ए कॉस बी से जब हर टर्म डिवाइड होएगा तो ये पहले टर्म में कॉस बी कट जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए आ जाएगा, दूसरे में कॉस ए कट जाएगा टेन बी आ जाएगा, नीचे वन आ जाएगा और ये टेन ए टेन बी आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला आ गया टेन ऑफ ए प्लस बी का। ऑल ऑफ यू कोई डाउट? नो सर। ऐसे ही जब टेन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बिकम वन प्लस टेन ए टेन बी। लिखो ये फॉर्मूला, आगे बढ़े। यस तो
अगर हमारे ये tan of a plus b का फॉर्मूला जो था ये क्या था आपका tan a plus tan b अपॉन वन माइनस tan a tan b। तो अगर हमें tan of 2a का फॉर्मूला डिराइव करना है तो b की जगह a डाल देंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा 2 tan a अपॉन वन माइनस tan स्क्वायर है। सिंपल है? यस सर। कोई डाउट? तो इसको फिर से बोल रहा हूँ, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो अगर tan a का फॉर्मूला इसी मेथड से डिराइव करना है तो वो आएगा आपका 2 tan a by 2 आधा एंगल अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू। लिख लिया? यस सर। यस सर। अब देखो एक cot of a plus b का फॉर्मूला देखते हैं। तो cot of a plus b का फॉर्मूला हो जाएगा 1 upon tan of a plus b। मुझे जैसी जरूरत पड़ेगी मैं वैसे ही फॉर्मूला यूज करूंगा, अगर मेरा काम 10 में चल रहा है तो ठीक ही है। तो अगर मैं 1 upon tan of a plus b की बात करूं तो ये हो जाएगा tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b। बोलो। यस सर। यस सर। अब अगर मुझे इसको टेन में सॉरी कॉट में कन्वर्ट करना है, अगर मुझे कॉट का फॉर्मूला कॉट में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको डिवाइड करूंगा ऊपर नीचे टेन ए टेन बी से। तो टेन ए टेन बी से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। बोलो। यस सर। यस सर। तो सिमिलरली अगर cot of a माइनस b का फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो यहाँ आएगा tan a माइनस tan b अपॉन वन प्लस tan a tan b। बोलो। ये ऐसे ही तो होगा वन अपॉन tan of a माइनस b यानी कि tan a माइनस tan b अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। यस सर। यस सर। जब मैं इसको किससे डिवाइड करूंगा टेन ए टेन बी से, तो टेन ए टेन बी से डिवाइड करेंगे तो ये कॉट ए कॉट बी बनेगा, ये प्लस वन बनेगा, ये टेन कट जाएगा तो कॉट बी माइनस कॉट ए आ जाएगा। एक्चुअली ये भी कॉट बी प्लस कॉट ए ही है, बट प्लस में तो कहीं भी लिखूं क्या फर्क पड़ता है ना? Yes. Yes, sir. ये याद रख लेना क्वेश्चन फॉर्मूला किस टाइप का है, इधर उधर करोगे तो गलत हो जाएगा। लिख लो। तो हमारे बेसिक फॉर्मूले और 2a तक की हो गए हैं, अभी हमने 3a तक की तो बात नहीं करी। अगर तुमने लिख लिया तो एक आध क्वेश्चन हम एनसीईआरटी लेवल का करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, है ना? दो चार क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। बल्कि मैं चाहूंगा कि तुम एनसीईआरटी के क्वेश्चन खुद कर लो तो बेटर है ना? Yes, sir. हटा दो ये। यस सर। सर एक मिनट। सर एक मिनट रुक। कहाँ रह क्या रह गया था बोलो, मैं लिख देता हूँ। कॉट वाला फॉर्मूला रह गया था, कॉट वाला सर कॉट ए माइनस कॉट ए कॉट कॉट ऑफ ए माइनस बी क्या होगा बताओ बाकी बच्चों? कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। सही है?
यस सर। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x, ये प्रूव करना है हमें, माइनस साइन 2x अपॉन cos 10x के बराबर। जरा सब लोग ट्राई करो। डन सर हो गया। वेरी गुड, बाकी लोग भी करिए। डन सर। गुड गुड, कैरी ऑन। यहाँ पर cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला लगेगा ऊपर। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? 2 से माइनस 2 माइनस 2 हां तो माइनस 2 sin c प्लस d बाय 2 तो 9 प्लस 13 7x आ जाएगा। sin c माइनस d बाय 2 2x आ जाएगा। और sin c माइनस sin d क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाय 2 10x। साइन सी माइनस डी बाई टू 7x, तो साइन 7x साइन 7x कट गया, 2 2 कट गया, सीधे सीधे आंसर आ गया माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x। सर माइनस 2 7x कहाँ से आया समझ में आ रहा है? हाँ क्या बोल रहे हो सर? सेकंड स्टेप समझ में आ रहा। फर्स्ट स्टेप बोलो, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाया ना, माइनस 2 sin c प्लस d बाय 2 sin c माइनस d बाय 2 cos c माइनस cos d का फॉर्मूला। और नीचे लगाया है sin c माइनस sin d का फॉर्मूला। फॉर्मूले देखो अपनी कॉपी में, आराम से लगाओ फॉर्मूले फिर देख के। हो गया, जिसने पूछा था बेटा हो गया? अब कर रहा हूँ बोलो। अच्छा ठीक है, सर डिग्रीज को रेडियन में और रेडियन को डिग्रीज। यहाँ पे कहाँ कर रहे हैं वो सब? इसरो एनसीईआरटी में था तो मैं। अच्छा हाँ, तो वो चीज अभी आ जाएगी, मैं बता दूंगा अगली क्लास में, वो भी करा दूंगा। ठीक है सर, फर्स्ट एक्सरसाइज वही है मैंने कराई। हाँ जी, कुछ और पूछना है सर? माइनस टू कैसे है इसमें? ये माइनस फॉर्मूले में है ना, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला बताओ तुम।
कॉस सी माइनस कॉस डी का। बेटा कॉपी में देखो ना फॉर्मूला एक बार सर। टू साइन सी प्लस सी बाय माइनस है उसमें माइनस है बेटा उसमें माइनस है फॉर्मूले में माइनस माइनस टू साइन। बाकी बच्चों ने माइनस लिखा हुआ है ना। यस सर यस सर ये फॉर्मूले का माइनस है एज इट इज। ठीक है आगे बढ़े। यस सर यस सर। एक और क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का। ये बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन था और जस्ट मैं भी थोड़ा सा एक फील आ जाए चैप्टर की इसलिए करा भी दे रहा हूँ। लिखो अगला क्वेश्चन एक मिनट निकाल लेता हूँ कोई बता अच्छा क्वेश्चन। ये आपका cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। इसको हमें प्रूव करना है cot 3x के बराबर। डन वेरी गुड। बाकी बच्चे भी करिए जरा। डन सर। ठीक है गुड गुड। ठीक है करते रहो बाकी लोग भी करते रहो जरा। सबका हो गया है किसी का रहता है भी नहीं नहीं हुआ। नहीं हुआ ठीक है। तो ये हो गया आपका cos c प्लस cos d। पहले इन दोनों को इकट्ठे ले लो क्योंकि राइट हैंड साइड में तो हमें कुछ चाहिए नहीं ऐसा। और ये हो गया आपका प्लस कॉस थ्री एक्स और ये हो गया आपका साइन फोर एक्स प्लस साइन टू एक्स प्लस साइन थ्री एक्स है ना। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला आएगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू थ्री एक्स कॉस सी माइनस डी बाई टू एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स अपॉन साइन सी प्लस साइन डी टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू प्लस साइन थ्री एक्स। तो यहाँ से आपका ऊपर से cos 3x कॉमन आया 2 cos x प्लस 1 और फिर sin 3x कॉमन आया तो 2 cos x प्लस 1। अब 2 cos x प्लस 1 कट गया तो ये आ गया cos 3x। बोलो सही है ना। यस सर। ठीक है बाकी बच्चे भी कर लो एक बार फिर आगे बढ़े।
हटा दूं? यस सर। यस चलो हटाने के इसको ऊपर कर देते। एक और क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है ये, इसको करो। प्रूव दैट cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इक्वल्स टू 1। ये प्रूव करना है। ओके गुड, जिसका नहीं हुआ वो बता देना। इसमें हमें कॉट का फॉर्मूला यूज करना है थोड़ा ट्रिक से। डन सर। ठीक है गुड। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को cot x cot 2x माइनस, यहाँ दोनों से cot 3x कॉमन ले लो, तो ये आ गया आपका cot 2x प्लस cot x, तो ये आ गया आपका cot x cot 2x माइनस cot 3x। अब इस cot 3x को लिख लो cot 2x प्लस x, और ये इनटू में cot 2x प्लस cot x है, तो ये हो गया आपका cot x cot 2x माइनस। अच्छा, cot ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला भी पढ़ा था। cot ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था बताओ? cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b, और ये हो गया आपका cot 2x प्लस cot x, तो cot 2x प्लस cot x कट गया। ये देखो माइनस, दोनों चीजें सेम है, cot 2x cot x, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर इसका 1 ही आ जाएगा। आएगा कि नहीं? Yes. सही है? Yes, sir. हटा दूं? एक मिनट सर। एक मिनट। हाँ ठीक है ठीक है, कैरी ऑन। सर लास्ट चीज सर समझ गया सर। क्या कह रहे हो बेटा? तो लास्ट स्टेप समझ गया। ये वाली स्टेप क्लियर है? ये वाली? यस सर। फिर इस 3x को लिखा 2x प्लस x, तो cot ऑफ a प्लस b का यहाँ फॉर्मूला लग गया, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। सही है ना? यस सर। बस कटकुटा के आ गया हम सर। आगे बढ़े? यस सर।
अब ये वाला क्वेश्चन करो, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। प्रूव दैट टेन फोर एक्स इक्वल्स टू फोर टेन एक्स इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन माइनस सिक्स टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन टू दी पावर फोर एक्स। करो ट्राई। ठीक है, गुड। डन सर। ठीक है ठीक है। सबका हो गया ना? टेन टू एक्स का फॉर्मूला दो बार लगाना है बस। ये है टेन ऑफ टू इंटू टू एक्स, तो ये अब एक्स की तरह बिहेव करेगा, तो टेन टू थीटा का फॉर्मूला हो गया टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका टू इंटू टेन टू एक्स, तो टेन टू एक्स हो गया टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर भी लग जाएगा वन माइनस टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सर एक बार रिपीट कर दीजिए तो। यहाँ पे टू ए की जगह टू टेन टू थीटा का फॉर्मूला लगा लिया ना, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह टू एक्स आ गया, तो टू टेन टू एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर टू एक्स। अब टेन टू एक्स का फॉर्मूला लगा लिया, तो ये टेन टू एक्स का लग गया टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और यहाँ भी यही लग गया है ना। ओके ओके सर। सेट का अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर, नहीं नहीं टेन टू एक्स का फॉर्मूला होता है, हाँ माइनस होता है ना। ओके सर, ठीक है। तो सारा समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट? यस सर। हटा दूं ये? यस सर। ठीक है, एक और एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेते हैं। सेशन लास्ट स्टेप में कैसे हुआ नीचे 1 माइनस 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये टेन टू एक्स का फॉर्मूला लिख दिया ना, टेन टू एक्स का टू टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। बोलो सर, फिर उसमें टेन स्क्वायर है ना, तो सर यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स नहीं आएगा? अरे बेटा दिमाग से लगाओ, टेन टू एक्स का फॉर्मूला लगाया टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, तो एक्स की जगह टू एक्स आ गया, ये स्टेप ठीक है?
यस सर। अब tan 2x का फॉर्मूला लगाया तो ये आ गया 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, नीचे भी 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, tan स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख तो दिया। ओके सर, इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर वाला टर्म हो गया 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और आपका नीचे वाला टर्म हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 tan x का होल स्क्वायर, दैट इज 4 tan स्क्वायर x हो गया, और ये नीचे वाला टर्म हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, राइट। तो एक होल स्क्वायर और एक ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 4 tan x, और ये वाला टर्म ऊपर चला गया 1 माइनस tan स्क्वायर x, और नीचे वाले में ब्रैकेट एक्सपैंड कर दो तो a प्लस b, तो 1 प्लस tan टू दी पार 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x, तो माइनस 6 tan स्क्वायर x, दिस इज नथिंग बट RHS। LHS ये था, RHS ये, देख लो एक बार चेक कर लो सही लिखा है मैंने या नहीं। ठीक है, यस सर, यस सर, ठीक है, चलो आगे बढ़े। यस, यस सर, एक क्वेश्चन और है, ये वाला भी करना। प्रूव दैट cos of 4x equals to 1 minus a sin square x cos square x। ये पूरी 3.3 काफी करा दी मैंने, एक आधी चीज रहती है देख लेंगे, बट काफी करा दी है मैंने। ठीक है, तो ये 3.3 कर लेना, इसमें sin 3 थीटा cos 3 थीटा या 3 वाला मैंने फॉर्मूला नहीं बताया है, बाकी सब आराम से कर सकते हो, डीपीपी स्टार्ट एटलीस्ट करके देख सकते हो, राइट। एंड फाइनली मंडे को टेस्ट जो हमारा होगा वो फिर मैं दोबारा से सिलेबस बता देता हूँ, फंक्शंस एंड इफ यू से तो कुछ क्वेश्चंस ट्रिगो डन सर प्लस ट्रिगो, राइट डन सर, ये वाला हो गया ना। cos 4x का फॉर्मूला लिख लो, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2x, हाफ एंगल आएगा ना, बोलो। यस सर, क्योंकि cos 2x में आएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, तो cos 4x में आएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2x। अब इसको सॉल्व कर लो, वन माइनस टू इंटू टू साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 1 माइनस 2 इंटू 4, तो 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर हो गया ना। यस सर, कोई डाउट? ठीक है, ऐसे ही ना जैसे हमने 2a के फॉर्मूले पढ़े ऐसे ही हम 3a के भी पढ़ लेंगे, बात वही रहनी है, कुछ नया कुछ भी नहीं है। जैसे मान लो साइन 3a की बात करूं तो ये आएगा आपका साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला, देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो अगर हम b की जगह 2a सब्स्टिट्यूट करेंगे तो साइन 3a का बन जाएगा, फिर अकॉर्डिंगली आगे भी हम कन्वर्जन करते रहेंगे, ऐसा ही होगा या नहीं होगा? यस सर, क्वेश्चन एक बार दोबारा बता दीजिए। जैसे हम साइन 3a करते हैं ना, क्वेश्चन पिछला है ये फॉर्मूला सर? पिछला, अच्छा पिछला क्वेश्चन, ये cos 4x से 1 माइनस sin स्क्वायर 2x, यही वाला ना? यस सर, तो इसमें हमने फॉर्मूला ये वाला लगाया ना, cos 2 थीटा का cos, सॉरी यस सर, ये सर सेकंड स्टेप क्या किया, ये आ गया, ये आ गया, पहले बताओ ये आ गया, ये नहीं समझ में,
यस सर यस ये वाले स्टेप आई है नहीं आई पहले तो ये बताओ ना आगे ये फॉर्मूला होता है ना हाफ एंगल तो जब यहाँ 4 लिखा हुआ है तो यहाँ 2x आ जाएगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x फिर साइन 2x का फॉर्मूला लगा दिया वो है 2 साइन x कॉस x होल स्क्वायर हो रहा है तो 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x होगा सब कॉस 2 लगाने के बाद क्या किया अरे ये साइन स्क्वायर 2x आया ये सही आ गया अब sin 2x का फॉर्मूला अप्लाई करा sin 2x का होता है 2 sin x cos x यस सर बस उसको सॉल्व कर लो ओके सर सर इससे पिछला क्वेश्चन समझ गया था हां फिर इसके पहले वाला कुछ नहीं पता बस समझा दो पहले वाला क्या है सर वो 1 माइनस sin square x वाला बेटा कहाँ अटक जाते हो उसी समय पूछा करो ना रुको ये था ना 10 4x हमें प्रूव करना था तो 10 2x का फॉर्मूला लगाया है इसमें ये तो 10 4x में लगाया 10 ऑफ 2 इनटू 2x तो 10 ऑफ 2x का फॉर्मूला तो x की जगह 2x हो गया तो 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 2x x की जगह 2x आ गया और 10 2x का फॉर्मूला लगा दिया सही है यस सर अब 10 2x का आगे फॉर्मूला अप्लाई करा 2 10x upon 1 minus 10 square x जहाँ जहाँ 10 to x है वहाँ वहाँ लिख का 2 10x upon 1 minus 10 square x ओके सर ओके हो गया उसको जो accordingly solve कर लिया ठीक है यस सर चलो फिर DP start कर लेना और ये NCERT की exercise कर लेना नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिलाना हमें 3A वाले एंगल करने हैं रेडियन डिग्री करना है और फिर इसके बाद ये हो जाएगा तो फिर मैं अब एनसीईआरटी का बेसिक हो जाएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स जेई और चीजें पढ़नी है बहुत चीजें हैं ट्रिगो बहुत वास्ट है ठीक है यस सर चलो ओके ठीक है ओके सर बाय गुड इवनिंग सर ओके बाय गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग